बिजनौर में मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोहरा पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया गया और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। ग्राम पंचायत अधिकारी नीपेंद्र सिंह ने सीडीओ पर मारपीट और कान पकड़वाने का आरोप लगाया है। नजीबाबाद के रामपुर छाटा गांव में निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ सीडीओ ने बहसबाजी कर डाली। न्याय की मांग को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन आज विकास भवन में धरने पर बैठ गए। उधर पीड़ित ग्राम पंचायत अधिकारी ने एसपी सिटी से इंसाफ की गुहार लगाई। पंचायत अधिकारी ने इस घटना की एसपी सिटी प्रवीण रंजन से लिखित शिकायत की है। बहरहाल इस पूरे मामले में सीडीओ पूर्ण बोहरा व पुलिस के आला अधिकारी भी मीडिया को कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। दरअसल बिजनौर के नजीबाबाद विकास खंड के राजस्व ग्राम रामपुर छाटा गांव में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी नीपेंद्र सिंह ने जिले के मुख्य विकास अधिकारी पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। सीडीओ के मारपीट करने की कारतूत भी सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद वायरल हो गई। दरअसल कल मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोहरा कल रामपुर छाटा गांव में कल निरीक्षण के लिए गए हुए थे, तो वहां पर बीडीओ एडीओ सहित तमाम कर्मचारी मौजूद थे। तभी सीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी नीपेंद्र से स्कूल से बनी लाइब्रेरी के विषय में पूछा, किताबें क्यों कम है। ग्राम पंचायत अधिकारी नीपेंद्र ने जवाब देते हुए कहा कि किताबें कम है, जल्द नई किताबें लाइब्रेरी में मंगाई जाएंगी। इसी बात से नाराज सीडीओ ने दबंगई दिखाते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी नीपेंद्र से कहा कि मुर्गा बनिए और कान पकड़िए। ग्राम पंचायत अधिकारी नीपेंद्र ने कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाई। इसके बाद भी सीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी के ऊपर बात करते करते थप्पड़ बरसा दिए। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस घटना के बाद से सभी ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज दबंग सीडीओ के खिलाफ विकास भवन में धरना शुरू कर दिया और पीड़ित ग्राम पंचायत अधिकारी नीपेंद्र सिंह ने सीडीओ की शिकायत एसपी सिटी से की है। उधर इस घटना को लेकर जिले के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीपेंद्र सिंह। आज आप धरने पर बैठे हैं विकास भवन में, क्या मामला है? मामला ये है कि रोज की तरह मैं मतलब सवेरे ही लगभग 8 से 9 के बीच में मैं घर से निकल जाता हूँ ड्यूटी के लिए। फील्ड वर्क है हमारा, तो फील्ड में निकलता हूँ। तो अचानक ही मैं पहुँचने ही वाला था नजीबाद मेरा विकास खंड है। तो मेरी मैम की कॉल आई कि आज सीडीओ साहब जो है यहाँ आने वाले हैं, आप जो विकास खंड में रुक जाना। तो मैं विकास खंड में रुका। वो थोड़ी देर बाद ही मैम की कॉल आई कि मतलब जो सीडीओ साहब पहुँच गए, तुम एक काम करो, तुम गांव में पहुँच जाओ, वहाँ साफ सफाई वगैरह करा लेना। मैं गांव में पहुँचा, गाँव में पहुँच कर मैं सफाई कर्मचारी से कुछ और कर्मचारी लगा कर मनरेगा द्वारा तो सफाई का काम चल रहा था, वहाँ सफाई करवा रहा था मैं। कुछ ही देर बाद सीडीओ साहब की गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है, साथ बी डी मैडम थी, गाड़ी थी, तो दोनों लोग वहाँ पहुँचे। फिर बाद में हमने उन्होंने कहा कि मुझे निरीक्षण कराओ, क्या क्या काम किए हैं। तो फिर बाद में जो हम स्कूल में ले गए, तो स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्र बन रहा था, तो आंगनवाड़ी केंद्र में ईंटों की गुणवत्ता ख़राब थी। तो उन्होंने बताया कि ईंटों की गुणवत्ता ख़राब है यहाँ। मैंने कहा सर ये तो बाहर की वो बना रही है, आपके द्वारा आपको बताऊँगा तुम लोग बना रहे हैं, तो इसको तो आप लोग देखो, कि नहीं तुमने जानकारी देनी चाहिए थी। मैंने कहा सर ठीक है। तो उसके बाद फिर बाद में वो देखा, उसके बाद फिर बाद में उन्होंने कहा स्कूल दिखाओ, स्कूल में पेंटिंग वगैरह सब कुछ ठीक थी। स्कूल देखा कि स्कूल तो ठीक है, पर और काम कराओ अभी, और प्लांटेशन कराओ, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है हो जाएंगे सर, ये पेंटिंग कराओ, यहाँ ये कराओ, वो कराओ। उन्होंने अपने दिशा निर्देश जो दिए, मैंने कहा ठीक है सर कल से काम लगा देंगे, हो जाएगा। उसके बाद फिर कहा कि सीसी वगैरह इंटरलॉकिंग का काम चल रहा वो दिखाओ। फिर वो दिखाने के लिए जा रहे थे, बीच में पंचायत घर पड़ रहा था, पंचायत घर खुला हुआ था, पंचायत सहायक भी वहाँ मौजूद थे, सब लोग थे। तो पंचायत घर का वहाँ जो है मतलब मेन कैंपस एक ही हॉल है, बड़ा मतलब अलग अलग रूम्स वगैरह नहीं है, तो एक ही कैंपस है, उसी में हमने लाइब्रेरी चला रखी है, कैमरे और मतलब सारी चीज़ें उसी में है। तो वहाँ पर पैड़ी पर पैर ही रखा, सीटी साहब ने कहा कि लाइब्रेरी कहाँ। मैंने कहा सर सामने बनी हुई है, संचालित है, इसमें बुकें कहाँ। मैंने कहा सर बुकें भी वहीं रखी हुई, तो बुकें रखी हुई थी, मतलब उतनी ज़्यादा बुकें नहीं थी, कुछ बुकें कम थी, मतलब 100-200 बुकें नहीं थी, पर मतलब 30-35-40 बुकें थी। तो उन्होंने शायद दिखाई नहीं दी या कम दिखाई दी, तो उन्होंने इतने पे ही मुझे कहा इधर आओ सेक्रेटरी हो। तो मैंने कहा हाँ सर सेक्रेटरी हूँ, कान पकड़ो। मैंने कान पकड़ लिया सर, कहा कि उठक बैठक लगाओ। मैंने कहा सर मेरे बैग में प्रॉब्लम है, तो मैंने नहीं लगा। फिर कहा मुर्गा बनो, तो मैंने कहा सर प्रॉब्लम है, मैं मुर्गा नहीं बन सकता। तो इतने पे इन्होंने चपत मारने शुरू कर दिया, चपत मारे। फिर इन्होंने दो दिन चपत मारे, अब गुस्से में पता नहीं क्या क्या कहा, और भी सब लोग देख रहे थे, बीडीओ मैडम भी थी, जॉइंट बीडीओ साहब भी थे, तकनीकी सहायक थे तीन, और मेरे साथी भी थे कि विवेक कुमार, और गांव के सभी ग्रामवासी थे वहाँ, सब लोग देख रहे थे कि बुरी तरह मुझे बेइज्जत कर रहे थे। आपने जिलाधिकारी से शिकायत की इस बात की? अभी शामी का
मतलब मैं रात तक मैं किसी से बता भी नहीं पाया, किसी से मैंने बोला भी नहीं। अंदर अंदर फिर साथियों ने कहा कि यार क्या हुआ, तू बात भी नहीं कर रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या हुआ। फिर यहाँ जो संगठन के साथी थे उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आओ, मैं बताओ क्या क्या प्रकरण हुआ। फिर मैंने इन सब लोगों से बताया, तो अब उसी में जो भी न्याय मिल सकता है वो। शिकायत करने जा रहे हैं कहीं? न्याय की मांग करेंगे एसपी साहब के साथ, डीएम साहब के साथ। आपने तहरीर बनाई है अभी, किसके नाम की तहरीर बनाई है? ये एसपी साहब के नाम की। बिजनौर से अजीत सिंह की रिपोर्ट।